ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं दे रहे और ये मोबाइल बॉक्स के अंदर भाई चार्जर ही नहीं दे रहे यार, इससे बढ़िया तो ना अब ये वाला फोन ही खरीद लो। पैसा बर्बाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे OnePlus Note 3 स्मार्टफोन को Samsung Galaxy S21 FE स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि OnePlus के अंदर हमें 6.74 इंचेस की 1.5K वाली AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ Samsung के अंदर हमें 6.4 इंचेस की फुल HD+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है भाई, काफी मजेदार कंटेंट वॉचिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और बात करूं अगर मैं IP रेटिंग की तो OnePlus फोन के अंदर हमें कोई भी IP रेटिंग मेंशन नहीं की गई है, लेकिन यार वहीं दूसरी तरफ Samsung का फोन IP68 रेटिंग के साथ में आता है जो कि काफी अच्छी बात है भाई, फुली प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको, IP68 मिल रहा है Samsung फोन के अंदर। और बात करूं अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहां पर OnePlus का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि ऑक्सीजन OS 13.1 पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ Samsung का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि One UI 4.0 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर OnePlus का फोन ही विनर है क्योंकि ये फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में मिल रहा है, भी अच्छी बात है। लेकिन यार जो दोनों फोन्स की UI है ना भाई बिल्कुल बढ़िया है, फोन चलाने में तो आपको मजा आ जाएगा। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो OnePlus के अंदर हमें Dimensity 9000 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ Samsung के अंदर हमें Exynos 2100 5G चिपसेट दिया गया जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, लेकिन यार एक और बात बताऊं ना भाई, जो Samsung के Exynos प्रोसेसर है ना भाई अपने हीटिंग इश्यू के लिए जाने जाते हैं, तो इस चीज का दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर आप बिल्कुल प्रो लेवल गेमर है ना और बढ़िया वाली ही गेमिंग करनी है भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली OnePlus की तरफ जरूर से जाइए क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Dimensity 9000 दिया गया भाई, काफी ज्यादा बढ़िया चिपसेट है, काफी बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे OnePlus की, तो इस फोन का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Samsung फोन का मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, जो टेलीफोटो कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। और वैसे तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स का बैक कैमरा सेटअप भाई यहां पर काफी ज्यादा जबरदस्त है, काफी बढ़िया वाली फोटो आप दोनों फोन्स के कैमरा सेटअप से क्लिक कर पाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना ना बिल्कुल कैमरा सेंट्रिक के हिसाब से, तब आप यहां पर डेफिनेटली Samsung की तरफ ही जरूर से जाइए क्योंकि पर्सनली यार मुझे इसका जो कैमरा सेटअप है ना भाई टॉप ऑफ द लाइन लगा है बिल्कुल ही। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं, साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स OIS+EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो OnePlus के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया जिससे हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ Samsung के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया जिससे हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों फ्रंट कैमरा यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स का बढ़िया है, लेकिन अगेन यार अगर आपको बिल्कुल टॉप लेवल वाली सेल्फी क्लिक करनी है ना भाई, साथ ही 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी चाहिए फ्रंट में भाई, डेफिनेटली अब यहां पर Samsung की तरफ ही जरूर से जाइए। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो OnePlus फोन के अंदर हमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि 80W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ Samsung के अंदर हमें 4500mAh की बैटरी दी गई है जो कि सिर्फ 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। भाई इस डिपार्टमेंट के मामले में ना भाई Samsung वाले पीछे ही रह गए हैं। और एक और जरूरी बात दोस्तों, Samsung बेशक 25W का सपोर्ट दे रहा है भाई, लेकिन मोबाइल बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा यार, वो भी आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल तो यार बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहां पर OnePlus का फोन ही विनर है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में से किसी में भी नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दिया गया।
गया है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन्स के 8+128GB वेरिएंट की अप्रोक्स प्राइसिंग है 33,000 रुपए। और दोस्तों जो प्राइसिंग है ना भाई ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपको OnePlus की ब्रांड वैल्यू के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है जहां पर बड़ी बैटरी भी मिल रही है और ज्यादा फास्ट चार्जिंग का स्पोर्ट भी मिल रहा हो, तब आप यहां पर डेफिनेटली भाई OnePlus की तरफ जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन चाहिए Samsung की तरफ से, भाई डेफिनेटली आप Samsung की तरफ जरूर से जाइए। चार्जर इन द बॉक्स नहीं मिल रहा भाई, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। खत्म।